अरे इसके अंदर गुब्बारा है, गुब्बारा है ये, गुब्बारा है हाँ। लिया भाई लिया। तो गाइस केक कट करने का टाइम आ चुका है, मैंने पूरी फैमिली को बता दिया है इसमें क्या है। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी। हे गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आज दो चीजें हैं मस्त मस्त। एक तो सबसे बड़ी, आज श्री राम मंदिर का उद्घाटन है। आज 22 जनवरी है ना, तो हम कल आए थे इतने सारे पटाखे, तो आज रात को मस्त हम आतिशबाजी करने वाले हैं और पूरे घर में मस्त हमने लाइट वाइट लगा दी है, पूरा घर सजा दिया है। सेकंड चीज, आज है चाचा जी का बर्थडे, मतलब आज के दिन ही, मतलब चाचा जी कितने लक्की हैं कि आज के दिन राम मंदिर का उद्घाटन है और आज ही चाचा जी का बर्थडे है, तो आज बर्थडे भी सेलिब्रेट करेंगे। उनके लिए मैंने एक मस्त सा केक ऑर्डर कर रखा है, यूनिक सा केक, मतलब लाइफ में पहली बार हम चाचा जी का बर्थडे बनाएंगे। चाचा जी ने खुद बताया भाई कि मेरा आज बर्थडे है। हमको दादाजी का भी नहीं पता, दादी का भी नहीं पता। दादाजी आपका बर्थडे कब आता है पता है आपको? कब? कोई बताया नहीं आपने? 4 मार्च। 4 मार्च पक्का? तो दादाजी का भी आने वाला है। आपका बर्थडे कब आता है? मेरा बर्थडे हाँ पता है आपको? पता तो है फिर। बताओ बताओ। दिसंबर। दिसंबर में आता है? हाँ, अगस्त तो सितंबर। सितंबर है? सितंबर सितंबर। कितनी तारीख? गाइज मम्मी को पता ही नहीं मम्मी का बर्थडे कब आता है, और हमने आज तक कभी मम्मी का बर्थडे बनाया भी नहीं है, कभी नहीं बनाया बचपन से आज तक। पापा जी का कब आता है? 10 अक्टूबर। पापा जी का 10 अक्टूबर। गाइज कभी बचपन से ना बड़ों के बर्थडे मनाए नहीं, तो कोई पूछे भी नहीं, तो मैं आज पहली बार पूछ रहा हूँ सबसे। आधार कार्ड वाला बनाएंगे ना, मेरा भी तो आधार कार्ड वाला है, मेरे को रियल बर्थडे पता नहीं है मेरा। आपको भी रियल नहीं पता? रियल पता नहीं है, रियल अम्मा ने बताया नहीं मेरे को, मम्मी ने ले भाई, किसी को भी रियल नहीं पता। अम्मा भी कंफ्यूज थी 14-15 है, मम्मी को तो भाई पता ही नहीं है, मम्मी को तो मंथ भी नहीं पता, पापा जी भी कह रहे हैं मुझे भी नहीं पता। मैं तो वो बता रहा हूँ आधार कार्ड वाला, लेकिन मेरे को तो है ना। चाचा जी को पता है अपना, चाचा जी का आज है, तो बच्चों को तो पता ही रहता है। पहले ना बर्थडे वाला कल्चर होता नहीं था, तो कोई याद ही नहीं रखता था कि मेरा बर्थडे है, मैं इस दिन पैदा हुआ था कोई, इसलिए मम्मी पापा चाचा जी अम्मा आपको किसी को याद ही नहीं है, कभी मनाया नहीं बर्थडे। तो अब की बार मनाएंगे, पहले चाचा जी का मनाएंगे, फिर अम्मा का, सबका बनाएंगे। अब की बार बर्थडे मनाने का काम होता है मम्मी पापा का मेन। हमारा बर्थडे हमारे मम्मी पापा ने कभी मनाया नहीं। अरे तो मनाया नहीं कभी? नहीं कभी नहीं मनाया, आज तक नहीं मनाया। पैसे नहीं उस टाइम तो। फाइनली दर्शन हो चुके हैं श्री राम जी के, ये देखो भाई। तो ब्रेकफास्ट करते हैं, कढ़ी चावल बने आज मस्त। आर का मतलब क्या है? गाइस कुनाली को इस आर का मतलब ही नहीं पता क्या है। आर गैस करो, आर आर क्या, क्या आर से क्या होगा, गैस करो ना। नहीं पता आपको? नहीं तो दादाजी आप बताओ है? इस आर से क्या होगा? राम राम, राम। अरे यार इतना भी गेस नहीं कर पाए, बहुत हार्ड था पता है। हार्ड था हाँ। पूरे घर में राम 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 हो रही है और इसको पता ही नहीं है। पूरे घर में नहीं, पूरे देश में, पूरे विश्व में। कितनी क्यूट लग रही है अम्मा, देखो अम्मा बाद में नहीं बना सकते हो क्या आपने? तो गाइस अब हम जा रहे हैं दिए लेने के लिए, वो भी 100 दिए, हम पूरे घर में 100 दिए लगाएंगे अपने। तो हमको दिए मिल गए यहाँ से, हम 100 दिए ले रहे हैं, 100 साथ में मिठाई भी लेते हैं, तो मिठाई यहाँ से लेंगे। तो मम्मी चाची और अम्मा जा रहे हैं भागवत में, हमारे यहाँ पीछे भागवत हो रहे हैं ना, आपको आवाज़ आ रही होगी, ये देखो बिल्कुल सेम सेम बन के जा रहे हैं भाई, बिल्कुल सेम सेम, तीनों के तीनों देखो कितने प्यारे लग रहे हैं। तो अब मैं जा रहा हूँ चाची के बर्थडे का केक लेने के लिए, और मैंने 2 केक ऑर्डर किए थे, 2 केक लेके आऊंगा, क्यों किए थे वो मैं आपको बताऊंगा बाद में, पहले केक दिखाता हूँ चलो। तो फॉर्चूनर लेके चलते हैं केक लेने के लिए। चाची जी अब केक रेडी हो चुका है? हाँ आप ही चलोगे क्या? नहीं यार सरप्राइज है आपके लिए। गैस पीयूष को भी नहीं पता मैंने कैसा केक ऑर्डर किया है, देख के फिर गैस करियो। देख के कैसे गैस होगा? मैंने खुद भी नहीं देखा अभी तक। पहुंच गया, यहाँ से हमको केक लेना है, और एक ये है केक फोड़ने वाला है क्या? है फोड़ने वाला क्या? गैस करके हो सकता है। हाँ यहाँ सब्सक्राइबर भी आ गए हमारे, और एक केक ये रहा। जय श्री राम। अच्छे से स्लो चलाऊंगा, आराम से लेके जाएंगे। अभी पीयूष गैस नहीं कर पाया ये क्या केक है, बताओ ये फोड़ने वाला ही है। नहीं नहीं, चलो कोई बात नहीं, लेके चलते फिर बताऊंगा तेरे को। केक तो ले लिया है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज उसको अच्छे से लेके जाना, सेफली पहुंचाना घर पे आराम से। बताओ सही क्या है, हथौड़े से फोड़ने वाला है? नहीं हथौड़े से फोड़ने वाला नहीं है। फिर क्या है ये? हल्का है बहुत, इसके अंदर कुछ है नहीं शायद, जेम्स वेम्स है इसके अंदर। फिर प्रैंक। अरे इसके अंदर गुब्बारा है, गुब्बारा है ये, गुब्बारा है फिर पानी से भरा हुआ, पानी भी है इसमें, पानी वाला गुब्बारा है, हल्का है क्या? बिना पानी है, बहुत हल्का है,
थोड़ा सा पानी, ज्यादा पानी जब काटेंगे ना पानी निकलेगा अंदर से। अरे यार तो लेट हो जाए। गाइस इसके अंदर ना पूरा गुब्बारा है, गुब्बारे के ऊपर क्रीम लगा रखी है, जब चाचा जी काटेंगे तो एकदम से प्रैंक हो जाएगा उनके साथ में, तो इसीलिए हमने एक और केक लिया है, वो पीछे रखा हुआ है ना, वो रियल केक है, तो हम चाचा जी को यही दिखाएंगे, चाचा जी को यही केक दिखाना है पहले, ठीक है, कि यही है तुम्हारा केक, केयरफुल लेके जाना पड़ेगा कहीं खराब ना हो जाए, बिकॉज गोल केक है ना। तो मस्त डांस चल रहे हैं आप, देखो देखो स्टूडियो वाले फ्रिज में डाल देंगे, घर पर लेके जाएंगे, ठीक है, छुपाने के लिए। तो हम दूसरे वाले घर में आ गए, इस यहाँ के फ्रिज में छुपा देंगे, ये निकाल देते हैं ना, एक निकाल देते हैं ना, ये अब आ जाएगा भाई, काफी बड़ा केक है ये, आ ही नहीं रहा था यहाँ पे, देखो। चलो भाई दूसरा केक भी आ गया, मेन वाला केक इसको रख देते हैं यहीं पे। भाई मौसम इतना खतरनाक हो रखा है ना भाई, इतनी ज्यादा ठंड हो रही है, बाहर रहने का मन ही नहीं कर रहा। ले भाई ले। तो गाइस टाइम आ चुका है केक कट करने का, तो गाइस केक कट करने का टाइम आ चुका है, मैंने पूरी फैमिली को बता दिया है इसमें क्या है, ठीक है, अभी चाचा जी आ रहे हैं, आएंगे, उनके साथ प्रैंक होने वाला है खतरनाक वाला, वो जैसे ही खोलेंगे इसके अंदर से एकदम से ये फटेगा, रेडी बताना मत, ठीक है, आने वाले चाचा जी। ये देखो भाई क्या खतरनाक लग रहा है केक, हैप्पी बर्थडे, ये देखो क्या बात है, रेडी हो, सुपर से ऊपर, हाँ सुपर से भी ऊपर, चाकू, अरे चाकू तो लाना भूल गए, कोई नहीं वो आ लिया तू, कोई नहीं कोई नहीं, लाना चाहिए ना भी जो केक लाया तो, कोई नहीं आ जाओ, हैप्पी बर्थडे टू, अरे हैप्पी बर्थडे बाबा जी, मुझे कुछ नहीं दिख रहा गाइस, पानी तो था ही नहीं, पानी था ही नहीं इसमें यार, मैं तो गुब्बारा खा लिया, गुब्बारा था गई, ये तो मेरा भी पपट हो गया, मेरे को लग रहा था पानी वाला होगा गुब्बारा, बट वो पानी वाला गुब्बारा नहीं था। अब काटेंगे मेन केक, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर गाइस, हमारा प्रैंक उतने अच्छे सक्सेसफुल नहीं हुआ बिकॉज के अंदर पानी नहीं था, अगर पानी होता ना तो बहुत मजा आता। तो गाइस फाइनली हमारे घर की लाइट्स भी ऑन हो चुकी है, देखो कितनी प्यारी लग रही है, अब लगाएंगे हम दिए बाहर भी, पूरी सोसाइटी में, पूरी सोसाइटी सजा देंगे मस्त, आपको दिखाते हैं, पूरी सोसाइटी वाले सभी मिलके ना अपने घर के बाहर लगा रहे हैं, पूरी रोड में, वो भी मंदिर तक, तो आपको दिखाते हैं, बहुत सुंदर लगेगी सोसाइटी। सबसे पहले हम लगा रहे हैं अपने घर के अंदर, घर के अंदर हमने यहाँ पे लगा दिया, देखो यहाँ पे लगाते हैं, अब चलते हैं बाहर सोसाइटी में, सोसाइटी में जल्दी दिखाता हूँ कितना मस्त लग रहा है हमारा मंदिर और पूरी सोसाइटी। तो गाइस हमने दिए जलाने शुरू कर दिए, पीयूष जला रहा है, देखो अभी इतने को जला दिए, और यहाँ से लेके पूरा, यहाँ से लेके पूरा वहाँ मंदिर तक, और यहाँ भी देखो, यहाँ भी। तो गाइस अब देखो कितना मस्त लग रहा है, इधर भी दिए, इधर भी दिए, और इधर मंदिर, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पूरी सोसाइटी में इतनी मस्त वाइब आ रही है ना, सभी बच्चे लगे हुए अपने अपने दिए जलाने में, देखो अपने घर के बाहर वाले सारे दिए जला रहे हैं, हमें कितना मस्त लग रहा है ना, अलग ही वाइब्स। अब बारी है पटाखों की, तो हम ड्रोन से स्टार्ट कर रहे हैं, ड्रोन, मम्मी मम्मी साइड आपके पीछे पटाखा है, अरे जला दिया उसने, जला दिया, ये गया, ड्रोन, ड्रोन वाले बहुत मस्त है यार, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पूरी सोसाइटी के सारे लोग मंदिर के पास इकट्ठे हो गए हैं, वहाँ पे सारे जय श्री राम चिल्ला रहे हैं, और सभी बच्चे नाच रहे हैं, और इतनी मस्त वाली वाइब आ रही है ना, पूरी सोसाइटी को मस्त सजा दिया, देखो दियो दियो से सब जगह लाइट्स ही लाइट्स, तो मतलब अलग ही लग रहा है, एकदम अलग। चलो भाई अब टाइम आ चुका है हमारे पटाखे फोड़ने का, जो हम लाए थे ना बड़े बड़े वाले, सबसे मेन तो भाई 200 स्क्वायर शॉट हैं उसके अंदर, तो गाइस अभी ले जा रहे हैं 200 शॉट्स को फाउंटेन के पास, वहाँ जाके जलाएंगे। क्या हो कुनाली, कैसे उठा रहे हो आप, उठा ले रहा हूँ दिमाग से, कुनाली आपको भारी नहीं लग रहा, लग तो रहा है, अबे यार पागल हो गया, हाथ दर्द हो गया मेरा, उठाओ खुद ही से उठाओ। इस बड़े वाले बम हम यहाँ पे फोड़ेंगे, यहाँ पे सही है ना, खुला खुला, वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी थी, बच गया। तो अब सबसे मेन 200 शॉट्स, जला दो थोड़ी इधर करो, यस सही है जला दे भाई, जला दे थोड़ा सा इधर, हो गया, अरे हो गया, चलो भाई दूर दूर सभी दूर, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।
मम्मी अभी अभी खत्म नहीं होंगे, 200 है, 200 200 अभी खत्म नहीं है, 200 थोड़ी है, 200 है, 200 राम जी के आने की खुशी। क्या राम जी के आने की खुशी? इतना भारी है ना ये भाई, 5000 पटा गए टोटल, 5000। चलो बिछाते हैं अब इसको, तो खुल गया ये सांप की तरह, सांप की तरह बिछाना बस। चलो भाई सारे पटाई खत्म, अब चलते हैं घर। तो गाइस अब करते हैं डिनर, आज बनी है गडेरी की सब्जी। ओहो ये गिर गया यार, डिनर हो चुका है, अब फिलहाल मैं बैठ गया एडिटिंग पे, एडिटिंग करता हूँ। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद है तो लाइक कर देना एंड चैनल पर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। अच्छा केक होता तो मजा आता, असली केक होता तो ऐसा मतलब असली क्या यार बोल दिया, बोल दिया, क्यों बोल रहा है यार, मैंने भी समझ लिया, सब समझ गए यार, क्या ही बोलोगे, लेकिन पापा को नहीं बताना मेन तो। हाँ सब समझ गए, लेकिन चाचा जी नहीं समझे अभी तक।